टिक 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 टिक, समय तेजी से निकल रहा है, राइट? ये वो घड़ी नहीं है जो आपको बताएगी कि टाइम क्या हुआ है, बल्कि ये वो घड़ी है जो आपको बताएगी कि समय बचा कितना है। भविष्य में अगर कोई मैथ एक्सटेंशन हुआ भी, यानी अगर ऐसी नौबत आई कि दुनिया खत्म हो सकती है, तो उसके पीछे का कारण स्पेस से आता कोई एस्ट्रॉयड नहीं होगा, ना ही सूरज से आ रहा कोई बड़ा सौर्य तूफान, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार वो होगा जिसे हम हर रोज अपने ही खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उसे एक दैत्यकार रूप दे रहे हैं, और वो है कार्बन। क्या आपको पता है कि दुनिया में 90% से ज्यादा ऊर्जा कैसे जनरेट की जाती है? आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। जी हाँ, फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, नेचुरल गैस और तेल भंडार, यही तो चला रहे हैं दुनिया को। आपके घर में आ रही इलेक्ट्रिसिटी, 90% चांसेस हैं कि वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। पर वो कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कोयले को जलाकर हमें एनर्जी तो मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने खोया क्या? कोयला जला, हवा में कार्बन गया, हवा पॉल्यूट हो गई, बची कार्बन की जहरीली राख, वह वहां की आबो हवा को खराब कर रही है, वहां के लोगों की सांसों में और जमीन में घुलकर एक पर एक कत्ल करती जा रही है। लेकिन हमें इससे क्या? यह सब तो हमने काफी बार स्कूल्स में एसेज में लिखा है और अच्छे नंबरों से पास भी हुए हैं, इस पर टीचर्स के बोरिंग लेक्चर्स भी सुने हैं, पर ये वो सब नहीं है जो हमने खोया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमने खोया क्या? हमने खोया है अपना कल। ये वो कल नहीं है जो आप कल देखोगे, बल्कि ये वो कल है जो आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हो। बसेस, ट्रक्स, कार्स, बाइक्स और सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन, जिनके बिना दुनिया आज शायद थम सी जाए, लेकिन यकीन मानिए, जब ये चलते हैं तो दुनिया नहीं बल्कि हर सेकंड हजारों लोगों की सांसें जरूर थम जाती हैं, एक्सीडेंट से नहीं बल्कि पॉल्यूशन से। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही फ्यूचर देखने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो यह कतई मत सोचिएगा कि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। आप एवरेज 20 सिगरेट्स जितना पॉल्यूशन हर रोज अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। इसके लिए आप कह भी सकते हैं थैंक्स टू द पॉल्यूशन। एक नॉन स्मोकर को जब पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है, इसके लिए भी थैंक्स टू द पॉल्यूशन। लेकिन विडंबना देखिए, वो ये जरूर सोचता होगा कि उसने तो कभी किसी ट्रक, बस, कार या बाइक पर लिखा नहीं देखा कि इस कार से कैंसर होता है या ये कार सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आप नॉन स्मोकर अपने जैसे किसी बड़े इंसान को एज्यूम कर रहे हैं, तो ये देखिए हंसते खिलखिलाते हुए छोटे चेहरे, यह वह नॉन स्मोकर है जो ना चाहते हुए भी हर रोज 20 सिगरेट्स जितना पॉल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं। जरा सोच कर देखिए क्या होगा इनका भविष्य। दिल्ली तो महज आपके लिए एक उदाहरण था, दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति चीन भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा है। दूसरे और देश भी हैं जो पीछे नहीं हैं। दरअसल ये समस्या पूरी दुनिया की है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि सिर्फ थर्मल पावर प्लांट, मोटर कार या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं ही खतरनाक है, ये हमारी दैनिक जरूरतें हैं और इन्हें हम एकदम से यूज करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आने वाले कल को बचाने के लिए इन्हें सही ढंग से तो यूज कर ही सकते हैं, राइट? ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है फॉसिल फ्यूल्स, और ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स को इतना यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता है और इसके अनेकों फायदे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द है जो इन सब पर भारी पड़ता है और वो है कार्बन। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज ऐसे ही करते रहे, लगातार करते रहे, तो हम कार्बन से नहीं बच सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं। हर जगह बेकार पड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, जो शायद अरसों से धूल चाट रही हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो गए हैं ना। सुबह हो या शाम, हमारे लिए तो बस एक ही समान है। आसमान में धुआं ही इतना है कि रोशनी कभी नसीब ही नहीं होती। हर तरफ लोग तो होते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, क्योंकि सबने मास्क जो लगा रखे हैं। मैंने कभी बाजार में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। मास्क लगा हुआ है शायद इसीलिए, या शायद वो हंसना ही भूल गए हों। मामा बताते हैं कि शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन मैंने वो कभी नहीं देखा। पर हाँ, टाइगर के बारे में, मोर के बारे में तो मैंने सुना है। मामा बताते हैं कि वो सब अब खत्म हो गए हैं। आपको पता है कि मैं बर्फ के बारे में भी जानती हूँ। पापा ने जब बताया कि पहाड़ों पर ऐसे आसमान से बर्फ गिरती थी, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर पापा ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए तो मैंने कहा वाओ, काश मैं भी यह सब देख पाती। पर सच बताऊं तो मैंने कभी बर्फ नहीं देखी।
यहाँ तो लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। सरकारी वाटर वैन से छीना छपटी करके जो भी पानी मिलता है उसी की एक एक बूंद को हिसाब से खर्च करते हैं। अभी सायरन बजाओ, शायद बारिश होने वाली है। एसिड रेन। मैंने सुना है कि आप बारिश में खूब मस्ती करते थे, लेकिन हमें तो हमारे पेरेंट्स बाहर ही नहीं जाने देते। ये एसिड रेन क्या है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। चलिए रहने दीजिए, आप अपना देखिए। शायद से भविष्य आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या करें, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे अच्छे परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह देखिए, यह रिपोर्ट है MMC की। इसके मुताबिक अगर हमें अपनी धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना है तो हमारे पास सिर्फ 26 साल हैं और हमारा CO2 बजट बहुत तेजी से कम हो रहा है। ये मत सोचना कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ, यह है फूड कार्बन फुटप्रिंट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका फूड का कार्बन फुटप्रिंट कम है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका कार्बन फुटप्रिंट काफी ज्यादा होगा। मैं यहाँ पर एक सीधी सरल बात रखूंगा, आप समझना जरूर। आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, खाने को वेस्ट मत करना, क्योंकि इनडायरेक्टली वह वेस्ट एटमॉस्फेयर में जाकर ग्लोबल वार्मिंग ही करने वाला है। कदम छोटा जरूर है, लेकिन आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि जंग अब खत्म हो गई है, इट डजंट एंड देयर। सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। हाँ, सरकार की जिम्मेवारी है इस विषय पर काम करने की, लेकिन अभी हम वो जानेंगे जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप में अगर कोई पंछी आपके द्वारा रखी गई पानी की कटोरी से प्यास बुझा लेता है तो आप ये जरूर सोचिएगा कि विलुप्त हो रही किसी प्रजाति को आपने बचा लिया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका PC और मोबाइल अगर फालतू ही बिना किसी जरूरत के चल रहे हैं तो एवरेज एक साल में वो हजारों किलो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। जब आपको लैपटॉप पर काम नहीं है तो इन्हें शटडाउन याद से कर दें। अगर कोई TV, फ्रिज, बल्ब या पंखा बिना किसी जरूरत के चल रहा है तो यकीन मानिए वो आपके बदले की CO2 एमिट कर रहे हैं, आप उन्हें तुरंत बंद कर दें। वैसे भी भारतीय संस्कृति में अन्न को बर्बाद करना या फेंकना उसका अपमान होता है, लेकिन अकेले भारत में सिर्फ एक दिन में लाखों टन खाना वेस्ट होता है, और वो खाना वेस्ट करने वाले भी हम ही हैं। आप इस बात को समझो, ये खाना नहीं है, ये सांसें हैं। इस खाने को व्यर्थ करके एक तो आपने उसका निवाला छीन लिया जिस भूखे के पेट में ये जा सकता था, और दूसरा उस मासूम की सांसें छीन ली जिसका कार्बन बजट इस व्यर्थ खाने की वजह से कम हो गया। इसलिए खाने को कभी व्यर्थ न करें। अगर आपकी निगाह में भारी मात्रा में साफ खाना व्यर्थ हो रहा है तो ऐसे NGOs को फोन जरूर करें जो उस खाने को किसी भूखे पेट तक पहुंचा सकें। जल है तो कल है, ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये कल आज खतरे में है। इसे बचाना अब जिम्मेवारी नहीं मजबूरी बन गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां पानी की एक बूंद को बचाया जा सकता है, तो आप उन मौकों को कभी भी हाथ से न जाने दें। अगर हो सके तो वाहनों का प्रयोग लंबी दूरी की यात्रा तक ही सीमित रखें। लंबी दूरी के लिए भी अगर संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करें। छोटी दूरी आप पैदल या साइकिल पर तय करने की कोशिश करें। किसी भी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का अंदाज बदलें। किसी की शादी, बर्थडे, दिवाली, क्रिसमस या न्यू ईयर पर लोगों से मिलकर मिठाई के साथ खुशियां मनाएं, या पेड़ लगाकर जो आपकी तरफ से सभी को बेस्ट गिफ्ट होगा। हवा को दूषित करके या किसी और की खुशियां छीनकर, यानी कि पटाखे वगैरह के साथ खुशियां मनाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर आस्था का सवाल है तो आप शगुन के तौर पर कुछ पटाखे चला सकते हैं, लेकिन बदले में 5 पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लें। पॉल्यूशन को प्रमोट करने वाली किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो, यही आपकी तरफ से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये है ग्रेटा थुनबर्ग।
एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन, जिन्होंने अकेले ही स्कूल बंक करके पार्लियामेंट के बाहर स्ट्राइक पर बैठकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक ऐसी आवाज उठाई जो आज यूएन का मुख्य मुद्दा बन चुकी है। आज जब ग्रेटा स्ट्राइक पर बैठती हैं, तो वो अकेली नहीं होती, पूरी दुनिया आज उनके साथ है। उनके द्वारा चलाया गया कैंपेन फ्राइडेज फॉर फ्यूचर यह आईना दिखाने के लिए है कि डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट को दांव पर रखते हुए चंद लोगों की जेबें भरी जा रही हैं और हमारी कब्रें खोदी जा रही हैं। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के तहत दुनिया भर से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि सरकारें ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के लिए कुछ कदम उठाएं। ये है कुछ तस्वीरें जिनमें आप पूरी दुनिया को अपने भविष्य के लिए एकजुट होते हुए देखोगे। भारत में भी कई जगह पर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की स्ट्राइक की गई। ग्रेटा का कहना है कि जब उनका भविष्य ही सुरक्षित नहीं तो स्कूल जाने का क्या फायदा। अगर हम एक दिन की पढ़ाई को दांव पर लगाकर अपना भविष्य बचा सकते हैं तो इससे बड़ा सैक्रिफाइस कुछ और नहीं हो सकता। ये अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा, लेकिन अफसोस तब ना तो उनके पास समय होगा और ना ही पीछे मुड़ने का कोई और रास्ता। आज आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर हमने कोई कदम ना उठाया और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आपको इन सवालों का जवाब लाजमी देना पड़ेगा। This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? ग्रेटा तो यहाँ पर आइकन के तौर पर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अनेकों फ्यूचर हीरोज काम कर रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसी संस्था के बारे में जानते हैं तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आप अपना किरदार जरूर अदा कीजिए। आज हम सबको जरूरत है आपकी। अगर हो सके तो अपने लेवल पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश जरूर करें। आप अपनी तरफ से एक छोटा सा कैंपेन भी चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक द संडे ट्री नाम की एक संस्था को जानता हूँ जो हर संडे किसी जगह पर पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। आप भी ऐसे ही किसी ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहीं बाहर जाकर पौधे लगाएं, आप अपने घर पर ही फलदार पेड़ लगा सकते हैं जो आपको फल भी देगा और ऑक्सीजन भी। याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी डैमेज को रिपेयर करने से अच्छा है कि अगर हम उस डैमेज को रोक सकते हैं तो रोक लें। दोस्तों, अंत में मैं यही समराइज करूंगा कि आज से ही यह प्रण करें कि मैं क्लाइमेट को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और उसके बारे में लोगों को भी अवेयर जरूर करेंगे, क्योंकि We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up and change is coming whether you like it or not.